नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैफ कोडेक्स 200 डीटी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सैफ कोडेक्स 200 डीटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सैफ कोडेक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सैफ कोडेक्स एक ब्रांड नेम है। सैफ कोडेक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सेफकोडोक्सीन 200 mg होता है। सैफ कोडेक्स टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। सैफ कोडेक्स टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई चोट लगने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सैफ कोडेक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सैफ कोडेक्स टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का स्वाद खराब होना, सिरदर्द होना, पेट में दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स सैफ कोडेक्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा सैफ कोडेक्स टैबलेट की वजह से महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज होना और वजाइना में खुजली होना आदि साइड इफेक्ट्स भी सैफ कोडेक्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सैफ कोडेक्स टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सैफ कोडेक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। सैफ कोडेक्स टैबलेट एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है। सैफ कोडेक्स टैबलेट को पानी में डालने के बाद सैफ कोडेक्स टैबलेट पानी में घुल जाती है, इसलिए सैफ कोडेक्स टैबलेट को एक कप में थोड़ा सा पानी लेकर और उसमें घोल कर भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को डॉक्टर सैफ कोडेक्स 100 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर सैफ कोडेक्स 200 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। सैफ कोडेक्स टैबलेट को डॉक्टर 5 दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। सैफ कोडेक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सैफ कोडेक्स टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सैफ कोडेक्स टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और सैफ कोडेक्स टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है, इसलिए सैफ कोडेक्स टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सैफ कोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह दी है। सैफ कोडेक्स टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर, प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति
रोगी को किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में सेफकोडेक्स टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। वैसे सेफकोडेक्स टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को सेफकोडेक्स टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सेफकोडेक्स टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्तनपान करा रही महिलाओं में सेफकोडेक्स टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफकोडेक्स टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफकोडेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।